नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंजना गुप्ता और आज हम बात करेंगे नैपी रैशेस के बारे में, जो 6 महीने से छोटे बच्चों की माओं को बहुत परेशान करते हैं और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि नैपी रैशेस होते क्यों हैं, इनका कारण क्या है। सबसे पहला कारण है डायरिया। दस्त जब बच्चा बार बार जाता है तो उसके नीचे की स्किन छिल जाती है, और स्पेशली जब दस्त लैक्टोज इंटॉलरेंस से एसोसिएटेड होता है या एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होता है तो वो नीचे की पूरी चमड़ी को एक्सकोरिएट कर देता है, वो सेकेंडरीली इन्फेक्टेड हो जाती है और नैपी रैशेस और ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं। यदि बच्चे के मुंह में फंगल इन्फेक्शंस हैं तो वो इन्फेक्शंस उसके नैपी एरिया को भी प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए हमें कई बार बच्चों को एंटीफंगल मेडिसिन देनी पड़ती हैं। इसके अलावा वेट वाइप्स में एस्ट्रिंजेंट होता है या क्लोथिंग या किसी भी तरीके का डिटर्जेंट बच्चे की स्किन को प्रभावित कर सकता है। यदि उसका डायपर लंबे समय से वेट है तो वो भी नैपी रैशेस का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बच्चे की नैपी एरिया को ओपन टू एयर रखना है और उसके ऊपर खोपरे का तेल लगाना है। उसे सिंपल पानी से या ड्राई कॉटन से साफ़ करें और उसके ऊपर खोपरे का तेल लगा के उसे खुला छोड़ दें। बाज़ार में कई तरीके के जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट की क्रीम्स उपलब्ध हैं जो कि बैरियर का काम करती हैं और बच्चा की त्वचा को इन्फेक्शन से बचाती है। मेरी सलाह में यू शुड नेवर यूज़ वेट वाइप्स, क्योंकि वेट वाइप्स के एस्ट्रिंजेंट्स कई बार बच्चे की स्किन को और ज़्यादा जलाने का काम करते हैं। बच्चे की छिली हुई त्वचा की हीलिंग के लिए हमें बहुत माइल्ड स्टीरॉइड्स जैसे कि क्लोबिटाजोन और एंटीफंगल क्रीम्स यूज़ करना होता है। अगर उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसे भी ट्रीट करना होता है, नहीं तो वो उसकी स्किन को और ज़्यादा एक्सकोरिएट करता रहेगा। तो पेरेंट्स, अगर आपके बेबी को नैपी रैशेस की प्रॉब्लम है तो ये सभी टिप्स यूज़ करके आप उसके नैपी को और हैप्पी बना सकते हैं और अपने बच्चे को एक हैप्पी नैपी बेबी बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।